दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान कहा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली में 30 फ्लाईओवर बनाए हैं। इस पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल की जनता के सामने झूठ बोलने वाली पोल खोल दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने जो अपने बयान में कहा था उसको लेकर विधुड़ी काफी भड़के हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने कहा कि केजरीवाल जनता के सामने झूठ बोलता है, केजरीवाल सफेद झूठ बोलना बंद करो। इसके साथ ही विधुड़ी ने केजरीवाल को चुनौती दी कि क्या वो अपनी सरकार द्वारा 30 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के दावे को साबित कर या फिर झूठ बोलने के लिए जनता से माफी मांगते हुए इस्तीफा दे। विधुड़ी ने कहा कि पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने फ्लाईओवर या अंडरपास का कोई भी अपना प्रोजेक्ट नहीं दिया है, वो सब उन प्रोजेक्टों को अपना बता रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाए थे। ज्यादातर प्रोजेक्ट में तो काम शुरू हो चुका था और कुछ प्रोजेक्ट अंतिम चरण में थे। मुख्यमंत्री ने उन सभी प्रोजेक्टों को भी अपनी सरकार की उपलब्धियों में गिना रहे हैं जो सच नहीं है। विधुड़ी ने चुनौती देते हुए कहा कि वो उन 30 फ्लाईओवर और अंडरपास की लिस्ट जारी करे जो उनकी सरकार ने दिल्ली को दिए हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में बन रहे तीसरे रिंग रोड में बन रहे फ्लाईओवर को भी केजरीवाल ने अपनी उपलब्धि में गिना लिया है। 12,000 करोड़ की लागत से बन रहे रिंग रोड में NHAI 30 फ्लाईओवर, 18 अंडरपास बना रहा है, जबकि DDA 5 फ्लाईओवर बना चुका है। अब अरविंद केजरीवाल के इस झूठ को लेकर बीजेपी वालों ने घेरना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस पर अपनी क्या सफाई देते हैं। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।